तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहां पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा, ये तो रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और ये रहा आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन। यहाँ से आज हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन जानेंगे और देखिएगा एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जा रहा है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख सकते हो। आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होने वाला आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें, इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का। आप देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब देखो सही विकल्पों का चयन करके आपको कैसे लिखना है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। होना जाए पथ में रात कहीं सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है, तो देखो पंती इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10 वर्ष माना गया, तो देखो 10 वर्ष जो है ना वात्सल्य को माना गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, परचेजिंग पावर का अर्थ है, तो देखो इसका अर्थ होता है खरीदने की शक्ति। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे विभिन्न शब्द जिनका स्त्रोत संस्कृत नहीं है भारत के ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषा परिवारों से क्या कहलाते हैं, तो देखो उनको कहते हैं क्षेत्रीय शब्द। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे, तो देखिएगा यशोधर बाबू अपना आदर्श किसको मानते थे, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, किशनदा को। किशनदा को जो है ना यशोधर बाबू अपना आदर्श मानते थे। अब इसके बाद में देखिएगा आगे, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन को देख लो, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो जिससे आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। यहाँ से आप सब लोग देख लो, ये 6ठे का राइट आंसर मैंने आपको दिखा दिया। और इसके बाद में फिर इधर आ जाते हैं, यहाँ से इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2 जो लिखा है, इसमें आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है, पहला क्वेश्चन लिखा है नागार्जुन के कवि है, तो देखो नागार्जुन जो है ना आधुनिक काल के कवि है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज़ है, तो देखो उसका नाम है पतंग। उसके बाद में 22 से 26 मात्रा वाले छंद को कहते हैं, तो देखो उसको सवैया कहते हैं। त्याग पत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार है, वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान व के विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ प्रयुक्त होते क्या कहलाते, तकनीकी शब्द। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति बनाई, तो देखो बिरला मंदिर जाने की रीति बनाई थी। भारत में पहला छापाखाना में खुला, तो देखो कहाँ पर खुला था, गोवा में। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख ले और इनके आंसर को भी आप लोग नोट कर ले पूरा का पूरा। अब इसके बाद में देखो हम यहाँ से पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 में आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी। सही जोड़ी का मिलान कैसे करना है आपको, देखो पतंग जो लिखा है इसकी जोड़ी मिल जाएगी आलोक धनवा से, महाकाव्य की जोड़ी पूर्वा पर संबंध से, जेठोत की जोड़ी जेठ से, और इस प्रकार से आप लोग देख ले। रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार तो देखो 3 प्रकार होंगे, मनोहर श्याम जोशी की जोड़ी मिली सिल्वर वेडिंग से। मुद्रित माध्यम की विशेषता तो देखो शब्दों का स्थायित्व, यहाँ से आप सब लोग देख लो ये इनके आंसर आ जाएंगे। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने बता दिए और उसके बाद में आप इन क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 4 में एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अभ्यास के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, तो देखो इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि वे रो दे जिससे कि कार्यक्रम सफल हो, ये इसका राइट आंसर होगा। जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो देखो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन, गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है, तो देखो इसको कहते हैं गुड़। चूरन बेचने का काम कौन करता है, भगत जी करते हैं। 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए, तो देखो लोटा तोलिया थैली नून सांकल आदि जो है ना क्षेत्रीय शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किशनदा का वास्तविक नाम क्या था, तो देखो इसका वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे। अगला क्वेश्चन लिखा है, डेडलाइन किसे कहते हैं, तो देखो किसी कार्य की अंतिम सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख लोगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, बिल्कुल सत्य होगा। सांग्रूपक अलंकार रूपक अलंकार का प्रकार नहीं है, ये भी सत्य होगा। भक्त इनका जीवन संघर्षशील रहा, ये भी सत्य होगा। लोकधन उक्ति में लोकोक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई, ये भी सत्य होगा। मनोहर श्याम जोशी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सत्य होगा। भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है, ये भी सत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको और आगे हम यहाँ से प्रश्न नंबर 6 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा। देखो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नई कविता की 2 विशेषताएँ एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। देखिएगा नई कविता की 2 विशेषताएँ क्या क्या है, यहाँ से देख लो। ये लिखी है मानव जीवन की महत्वपूर्ण मानकर, आप सब लोग देख लें, ये इसकी 2 विशेषताएं लिखी नई कविता की। और उसके अथवा में पूछे गए प्रयोगवाद की कविता की 2 विशेषताएं, तो इसको यहाँ से देख लो और याद कर लो पूरा का पूरा।
अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, स्नेह सुरा से क्या आशय है। ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि स्नेह सुरा से क्या आशय है। तो देखो इसका उत्तर यह आ जाएगा, यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें और इसको पूरा का पूरा याद कर लें। उसके बाद में बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं, 7 का तो वाला क्वेश्चन। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो, ये लिखा है बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे हैं, पूरा का पूरा याद कर लो आप लोग यहाँ से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए। तो देखिएगा महाकाव्य और खंडकाव्य में क्या अंतर है, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लें यहाँ तक का। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, दो खंडकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम आपको बताने, प्रश्न नंबर 8 का तो वाला। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग और पूरा का पूरा याद कर लो इसको। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया। देखो विरोधाभास अलंकार की परिभाषा क्या लिखी है, यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी विरोधाभास अलंकार की परिभाषा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके हतों में जो पूछा गया व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा। तो देखो व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा यहाँ से लिख लेना आप सब लोग, ये लिखी गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया गद्य की विधाओं की ओर प्रमुख एवं गौण विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए, प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो 10 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो, प्रमुख विधाएँ कौन कौन सी है, गौण विधाएँ कौन कौन सी है, ये लिखी गई है, आप सब लोग इसको याद कर लें अच्छे से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निबंध किसे कहते हैं, किन्हीं दो निबंधकारों के नाम एवं उनकी दो दो रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। देखिएगा निबंध किसे कहते हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लें और इनको पूरा का पूरा याद भी कर लें। ये मैंने यहाँ से आपको पूरा का पूरा बता दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से याद भी कर लोगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर दिया गया है लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी थी, प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर। और उसके बाद में जो अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये वाला क्वेश्चन देख कर लिख लो आप सब लोग। देखो ये आपका 11 का तो वाला क्वेश्चन है, बाजार का जादू क्या है, वे कैसे काम करता है। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो और आप सब लोग इसको याद कर लेना अच्छे से, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर लिखा है। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो प्रश्न नंबर 12, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बताइए, प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा जाएगा। तो देखो लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग, ये यहाँ पर मैंने आपको लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप सब लोग देख लें और इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, 12 का अत वाला क्वेश्चन। तो देखो इसका अत वाला क्वेश्चन यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग, ताकि आप सब लोग परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सके। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, शब्द युग्म क्या है, उदाहरण सहित लिखिए, प्रश्न नंबर 13 लिखा है। तो देखो शब्द युग्म क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग, पूरा का पूरा आंसर लिखा है ये इसका, तो देख लो यहाँ तक का। और शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसका उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, यशोधर बाबू ने किशनदास से जिन जीवन मूल्यों को पाया, वे अपने आपके लिए भी कैसे उपयोगी हो सकते हैं, प्रश्न नंबर 14। तो देखो इसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लो इसको और पूरा का पूरा याद कर लेना, क्योंकि अब आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कम समय बचा है। 14 का अतवा क्वेश्चन, जुगोज कहानी के प्रमुख पात्र की दो विशेषताएं। तो देखो 14 के अतवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पी है, यहाँ से आप सब लोग इसको याद कर लो अच्छे से। तो देखो आपको इसका आंसर बताता हूँ मैं, ये लिखा है जूझ कहानी के प्रमुख पात्र की दो विशेषता, यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग, ये लिखी है और इस प्रकार से आप सब लोगों को इसको याद कर लेना है। उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन बताता हूँ, एक अच्छे लेखक के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है, प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा जाएगा, ये आप सब लोग इसको भी देख ले। देखो 15 का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, पत्रकारी लेखन के बारे में लिखिए, तो देखिएगा पत्रकारी लेखन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ से देखकर आपको लिख देना पूरा। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने बता दिया आपको, अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 10 पूछा जाएगा, ये इस प्रकार से, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर रघुवीर साय अथवा हरिवंश राज बच्चन का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है, दो रचनाएं कलापक्ष और साहित्य में स्थान। तो चलो जल्दी से हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रघुवीर साय का जीवन परिचय देखेंगे, उनकी दो रचना ये लिखी है, कलापक्ष ये लिखा है, साहित्य में स्थान ये लिखा गया है, ठीक है, यहाँ से देख लो आप सब लोग। उसके अलावा यहाँ पर आपसे पूछा गया, देखिएगा प्रश्न नंबर 17 में, निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखना है, दो रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनका देख लो, महादेवी वर्मा का, जैनेन्द्र कुमार का, तो देखो यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार का जीवन परिचय लिखा है,
दो रचनाएं लिखी है, भाषा लिखी है और ये शैली लिखी है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, पूरी छोड़ दिया लिखना शायद इनने, तो आप लोग पूरा देख लेना इसको। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, छोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो छोटा छंद की परिभाषा क्या होगी, यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग, ये छोटा छंद की परिभाषा लिखिए पूरी की पूरी, आप लोग देख लो और इसको याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद में देखो सवैये छंद की परिभाषा को यहाँ से देख कर लिख लो, ये सवैये छंद की परिभाषा दी गई है, आप लोग देख लो पूरा का पूरा याद कर लो। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो 19 तक के क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, 19 में आपको ये अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, आप इसमें आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है पूरा, फिर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो देखो प्रश्नों के उत्तर कैसे देने हैं, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इनका उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको देना था, शीर्षक हिंदी भाषा आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर ये लिखा, थर्ड का राइट आंसर ये लिखा है, तो यहाँ से देख लो आप सब लोग। और उसके अथवा में एक ही आपसे पूछा जाएगा, गगन गगन तेरा यश फेरा, पवन पवन तेरा बल घेरा। तो देखो ये कविता है और उनमें से फिर आपसे तीन क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। अब चलो जल्दी से हम इनके आंसर को देखते हैं, या फिर आप लोग ऐसा समझिएगा, खासकर मैं आपको बताऊँ ना तो आपके लिए गद्यांश थोड़ा सरल होगा, आप लोग इसको हल कर लेना, ये आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रश्न से आपको करना है। ये पद्यांश एक कविता, एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, देखो ये पूरी की पूरी कविता यहाँ से लेके यहाँ तक की, अब इसका हम संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करेंगे। तो चलो जल्दी से जानते हैं इसकी व्याख्या को। देखो इसका संदर्भ इस प्रकार से आपको लिख देना होगा, ये संदर्भ लिखा है, यह प्रसंग लिखा गया है और यह भावार्थ इसका लिखा गया है। तो संदर्भ प्रसंग से भावार्थ इस प्रकार से आप लोग लिख ले पूरा का पूरा। अब इसके बाद में विशेष इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिखना होगा। तो चलो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका संदर्भ इस प्रकार से आ जाएगा और उसके बाद में देखो प्रसंग ये होगा और व्याख्या इसकी आ जाएगी, यहाँ से देख लो आप सब लोग। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 21 जो होगा ना, उसमें इस प्रकार से आपसे गद्यांश पूछा जाएगा पूरा का पूरा। ये गद्यांश है जिसका आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग से भावार्थ व्याख्या करनी है आपको, बाजार में एक जादू है, ठीक है, यहाँ से पढ़ ले आप लोग। अब चलो जल्दी से हम इसका व्याख्या करके देखते हैं। देखो इसकी व्याख्या इस प्रकार से आ जाएगी, संदर्भ ऐसे लिख देना आपको और उसके अलावा प्रसंग ये लिख देना है और व्याख्या इस प्रकार से आपको लिख देनी है। तो देखो यहाँ तक की व्याख्या आप लोग देख कर लिख ले पूरा का पूरा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, भक्तिन घेरे हुए हैं, तो देखो ये इसकी इस वाले की व्याख्या है, देख लो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। तो देखो ये पूरी की पूरी है, यहाँ से यहाँ तक की महादेवी वर्मा का जो पार्ट है उससे लिया गया है इसको, भक्तिन से। और ये देखिएगा इसका आपको गद्यांश है ये पूरा का पूरा, जिसकी आपको संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी है। तो चलो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। तो देखो इसका संदर्भ ऐसे आ जाएगा और प्रसंग ये लिखा है और व्याख्या यहाँ से देख कर लिख देना, आप सब लोग देख लें क्योंकि हिंदी है वैसे भी, एक बार में आपको समझ में आ ही जाएगी वो तो। और उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संबंध में एक शिकायती पत्र आपको लिखना, प्रश्न नंबर 22 में। देखो प्रश्न नंबर 22 का सॉल्यूशन ये लिखा है, आप सब लोग देख लें, सेवा में श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका ब्यावरा, और आप सब लोग इस प्रकार से देख लें, जो भी आपके नगर पालिका उसका नाम लिख देना, विषय अनियमित जलपूर्ति के संबंध में पत्र, और इसके बाद में देखो इस प्रकार से लिख देना पूरा ये पत्र आपको। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा आपके पेपर का सॉल्यूशन दे दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। और इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।